दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना बीबीसी वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। ये मेरी समझ से बाहर, क्या क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ? या हिंदू खून इतना सस्ता है, या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं? बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीजें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूं, आज मैं कहना चाहती हूं कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। जो वहां पे खून की नदियां बह रही है, तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे, जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और कड़ा से कड़ा कदम लीजिए।